तलाक के 2 साल बाद निशा रावल की जिंदगी में आया नया फेज। करण मेहरा की एक्स बीवी निशा ने किया नए घर में गृह प्रवेश। मुंबई नगरिया में खरीदा नया आशियाना। बेटे संग की नए घर में गृह प्रवेश पूजा। टीवी एक्ट्रेस निशा रावल की जिंदगी में हैप्पी फेज की वापसी हो चुकी है। आखिर निशा ने सिटी ऑफ ड्रीम्स कहे जाने वाले मुंबई शहर में अपना नया आशियाना जो खरीद लिया है। एक वक्त था जब निशा अपनी निजी जिंदगी में आए तूफान के चलते सुर्खियों में छाई रहती थी। मई 2021 में निशा ने अपने एक्टर हस्बैंड करण मेहरा पर घरेलू हिंसा के आरोप लगाए थे। मामला पुलिस स्टेशन से कोर्ट कचहरी तक पहुंच गया था, जिसके बाद मार्च 2022 में निशा और करण ने आपसी सहमति से तलाक लेकर अपनी शादी का दी एंड भी कर दिया था। और अब पति करण मेहरा से तलाक लेने के 2 साल बाद निशा की जिंदगी में हैप्पी फेस की वापसी हो गई है। एक्ट्रेस ने मुंबई में अपना न्यू ड्रीम होम खरीद लिया है और ये खुशखबरी खुद निशा ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर करके अपने चाहने वालों को सुनाई है। निशा ने अपने बेटे काविश के साथ नए आशियाने में गृह प्रवेश भी कर लिया है, जिसकी कुछ तस्वीरें निशा ने अपने पोस्ट में दिखाई हैं। इन तस्वीरों में निशा और काविश पंडित जी के साथ गृह प्रवेश पूजा कर रहे हैं और सारी विधियां निभा रहे हैं। तो इस तस्वीर में दोनों माँ बेटा अपने न्यू होम में हैप्पी पोज देते दिख रहे हैं। काविश को अपना नया घर कितना पसंद आया है उसकी खुशी का अंदाजा आप इस तस्वीर से लगा सकते हैं। इसके अलावा निशा ने गृह प्रवेश पूजा का एक वीडियो भी शेयर किया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि नन्हे काविश माँ के साथ मिलकर पूजा की सारी रस्मों को परफेक्टली निभा रहे हैं और 7 साल के बेटे काविश का ये समझदारी वाला रूप देख निशा भी खुशी से फूली नहीं समा रही है। इन तस्वीरों और वीडियोस को शेयर करते हुए निशा ने लिखा है, एक नई शुरुआत की खुशबू। नए घर में शिफ्ट होने से पहले निशा ने अपने पुराने घर के नाम भी एक गुड बाय नोट लिखा था। इस पोस्ट में निशा ने अपने पुराने घर की कई चुनिंदा तस्वीरें शेयर की थी और उन सारे लम्हों को याद किया था जो उन्होंने बेटे के साथ इस घर में बिताए थे। आपको बता दें कि निशा रावल टीवी एक्टर करण मेहरा की एक्स वाइफ हैं और एक्ट्रेस भी हैं। 5 साल की डेटिंग के बाद करण और निशा ने साल 2012 में शादी की थी। करण और निशा की जोड़ी टीवी की सबसे खूबसूरत रियल लाइफ जोड़ियों में से एक थी। हालांकि शादी के चंद सालों बाद ही इनके प्यार को किसी की बुरी नजर लग गई थी। साल 2021 में ये जोड़ी उस वक्त जबरदस्त विवादों में छा गई थी जब निशा रावल ने पति करण पर मारपीट करने और घरेलू हिंसा के शॉकिंग इल्जाम लगाए थे। करण को गिरफ्तार भी कर लिया गया था। इस दौरान दोनों ने ही एक दूसरे पर खूब कीचड़ भी उछाला था। तो वहीं बेटे काविश की कस्टडी को लेकर भी दोनों के बीच कानूनी जंग छिड़ी थी। मार्च 2022 में करण और निशा कानूनी रूप से अलग हो गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट E24।